अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत टाइड बारिश हो रही है भाई, धुआंधार मस्त बारिश हो रही है और हम डिलीवरी देने आए हैं और हम रुक गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, अभी बहुत तेज़ बारिश है, बहुत ख़तरनाक वाली बारिश चेक कर रहे हैं हम। ओए होए होए, सुबह से आसमान काले थे, आसमान काला था, बादल आए हुए थे, हमने सोचा था नहीं होगी बट हो गई बहुत ज़बरदस्त। हेलो जी, तो बारिश ख़त्म हो गई है और हमारा काम भी ख़त्म हो गया है, आसमान क्लियर हो गया है, अब बादल नहीं है आसमान पे। तो अभी बेसिकली मुझसे बहुत सारे लोग जो है ना एक चीज़ पूछते हैं कि यार कौन सी स्किल सीखे हैं, कौन सी स्किल सीखे हैं, और मैं अक्सर बताता भी रहता हूँ कि यार बार्बर या शेफ़ बन जाएँ या इस तरह की कोई चीज़ सीख जाए। मैं आप लोगों को एक और अच्छी सी चीज़ बताता हूँ, फिनलैंड में आप लोगों को पता है यहाँ पे पिज़्ज़ा का रिवाज बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब आपको हर थोड़ी दूर बाद जाके जो है ना एक पिज़्ज़ा की दुकान पे जरिया नज़र आ जाएगा। सही है, तो आपको एक प्रो टिप अच्छी देता हूँ उन लोगों के लिए जिनका यहाँ आने में भी टाइम है और जो ये चीज़ सीख सकते हैं। तो कोशिश करें कि नेपोलिटन जो पिज़्ज़ा होता है ना, एक पिज़्ज़ा होता है हमारे यहाँ जो मिलता है पाकिस्तान में, वो इतनी मोटी डो वाला और ये वो वाला पिज़्ज़ा नहीं, एक होता है ऑथेंटिक नेपोलिटन पिज़्ज़ा, जो इसकी तस्वीर भी आपके सामने यहाँ पे आ रही होगी, ये पिज़्ज़ा आप सीख लो। इसकी बड़ी डिमांड है यहाँ पे, प्रॉपर इसको सीखना अगर जिनके पास यहाँ पे 5-6-7 महीने हैं आने में, या जिनका भी प्लान है सोच रहे हैं जो इस बारे में, तो इसका प्रॉपर कोर्स कर लो। और ये बड़ा चलता है यार यहाँ पे, इतना ज़्यादा इसकी समझ लो आप डिमांड है इस पिज़्ज़ा की कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही चलता है पिज़्ज़ा के अंदर। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा हट के इतने ऑर्डर्स नहीं देखे जितना इन नेपोलिटन टाइप के पिज़्ज़ा के देखे। तो कोशिश करो कि ये वाले पिज़्ज़ा अगर आप लोग सीख के आ जाओ किसी भी आपकी कंट्री में, जैसे अगर इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया का देख लो, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में सर्च कराओ कि इस तरह के पिज़्ज़ा का कोर्स कौन करा रहा है, तो वो ज़रूर सीखो। इंशाल्लाह आपको उसके अंदर जॉब के लिए बहुत हेल्प होगी। तो ये नेपोलिटन पिज़्ज़ा अगर आप सीख जाओ ना तो यार बड़ा मज़ा आ जाएगा। वैसे मतलब मुझे लगता है कि ये एक बड़ी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा इंशाल्लाह। तो खैर अभी मैं घर जा रहा हूँ, हमारा काम हो गया है और घर चल के खाना खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। तो सुबह सुबह इस स्नेल ने आके मुझे आवाज़ें दी और बोला कि बारिश हो रही है इतनी प्यारी, यार क्या कर दो तुम घर के अंदर। ओ, बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है, काफ़ी देर से हो रही है, बहुत मज़ेदार मौसम हो रहा है। अभी सुबह से अंधेरा छाया हुआ था, मुझे लगा कि बारिश हो जाएगी, तो खैर अभी हम काम पे जाएंगे, काम की छुट्टी नहीं करनी है। फिनलैंड में यहाँ पे ये वाला बहाना नहीं चलता। वैसे तो मेरा मुझे तो किसी को जवाब नहीं देना होता, बट वैसे अगर आप लोग आए कहीं जॉब कर रहे हो तो भाई जितनी भी बारिश हो जितनी भी बर्फ हो आपको काम पर जाना ज़रूरी है। ये यहाँ पे वो वाला एक्सक्यूज़ है नहीं हमारे यहाँ, यार बारिश बहुत हो रही थी या बर्फ़ बहुत थी, ये नहीं, क्योंकि उनको पता है उनके यहाँ 8 महीने तो बर्फ़बारी रहनी है और बाकी के 4 महीने में से 3 महीने जो है बारिश बहुत होती है फिनलैंड में, क्योंकि यहाँ पे लेक्स बहुत हैं और जाहिर ही बात है फिर वो बादल और इतना और रहता है, बादल बहुत रहते हैं फिनलैंड में। तो बारिश चल रही है अभी हम नाश्ता वाश्ता कर लिया है, काम पर जाएंगे इंशाल्लाह, होप कि कम रहे बारिश। पर वैसे मेरे पास रेनकोट है, रेनकोट्स लेके आए अपने अगर आप लोग आ रहे हैं तो, काम आते हैं भाई, बहुत काम आते हैं। मैं भी रेनकोट्स लाया था और कल रात को मैंने आसिया से धुलवाया भी है, आसिया ने धो दिया, अब इसी को पहन के जाएंगे हम बाहर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से थोड़ा तैयार वैयार होने के बाद, फिर आपके सवाल के जवाब भी देंगे और फिर काम पर चलेंगे इंशाल्लाह। हेलो जी, तो मैं हो गया हूँ तैयार फ्रेश और अभी इस वक्त बज रहे 10:30। आज थोड़ा सा लेट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरी आँख भड़क रही है। क्या होता है जब आँख भड़कती है? तो आज 10:30 हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेट काम पे जा रहा हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि आज संडे है तो मॉल वगैरह ज़रा लेट खुलता है। तो इंशाल्लाह भी काम पे चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सवाल के जवाब दे देते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ब्रदर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच।
अभी आ रहा है नकीम हसन। अस्सलाम वालेकुम भाई, वर्क परमिट वीज़ा प्रोसेस पर वीडियो बना दें प्लीज़। वर्क परमिट वीज़ा वीज़ा प्रोसेस के ऊपर वीडियो मैंने बहुत सारी बार बताई भी है, फिर भी बता देता हूँ। वर्क परमिट का वीज़ा प्रोसेस सिर्फ सिंपल सा ये होता है कि देखें, अप्लाई करना, कंपनी में कैसे जॉब मिली है वो मैं नहीं बता सकता। वीज़ा प्रोसेस ऐसा बता सकता हूँ कि कंपनी में अगर आपने अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई है, अब कंपनी आपको एक ऑफ़र लेटर सेंड करेगी, ठीक है। उस ऑफ़र लेटर की बिहाफ के ऊपर आप क्या करेंगे, अपना वीज़ा फाइल करेंगे। अच्छा, वर्क वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट और ये इस तरह की चीज़ें शो कराने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने एक यहाँ के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से वेरीफाइड ऑफ़र लेटर आप लेके जाते हैं, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हैं उसके बिहाफ के ऊपर, और देन फिर आप अपना इंटरव्यू सेलेक्ट कर लेते हैं किस दिन आपने इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू देने के बाद आप पाकिस्तान या इंडिया वापस आ जाते हैं अपने मुल्क में, और फिर आप वहाँ पे उनको आपको डिसीजन आता है। ये छोटा सा प्रोसेस है। प्रोसेस पूरा वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है और ये क्या वो तो मैं ऑब्वियसली नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि उसमें आपकी अलग अलग चीज़ होती है। वीज़ा बस ये बता सकता हूँ कि वीज़ा एप्लीकेशन फिल करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ऑफ़र लेटर होता है कंपनी की तरफ से, या जॉब लेटर जिसको आप कह लें, अपॉइंटमेंट लेटर जो कंपनी आपको देती है कि यार हमने इस बंदे को हायर कर लिया है इस डेट से इस डेट तक 1 साल के लिए, और ये अब फिनलैंड आ सकता है, मतलब हम लोग इसको फिनलैंड बुला रहे हैं। वो लेटर लेके आप एम्बेसी जाते हो, आप एम्बेसी को बताते हो इन शॉर्ट कि भाई मुझे ये जॉब मिल गई है, ये मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर दी है, मेरा इंटरव्यू दे दें और मुझे फिनलैंड जाना है। एम्बेसी आपसे ऑफ़र लेटर लेती है, चेक करवाती है कि ऑफ़र लेटर ठीक है, फेक तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं है। वो जब चेक करा लेते, वेरीफाई करते हैं, तो आपको बता देते हैं कि हाँ भाई ये ओके है और अब आप यहाँ पे फिनलैंड जा सकते हैं, डिसीजन आ जाता है। तो ये होता है छोटा सा प्रोसेस भाई। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे कन्वर्ट होता है? ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे कन्वर्ट होता है कि यार आप यहाँ पे आएंगे तो एक मतलब अपनी आई को टेस्ट कराएंगे, यहाँ डॉक्टर है वो 40 यूरो लेते हैं डॉक्टर आपकी आई टेस्ट करने का। आई टेस्ट करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो सर्टिफिकेट लेके आप वहाँ जाते हैं जो ट्रैफिक ऑफिस है, जो लाइसेंस ऑफिस, वहाँ पे जाते हैं। वो पर्चा जो डॉक्टर ने आपको दिया और अपना पुराना लाइसेंस जो आप पाकिस्तान या इंडिया से बनवा के लाए हैं, वो आप वहाँ पे जाके सबमिट करा देते हैं। उसकी भी 40 यूरो फीस है, तो टोटल 80 यूरो फीस है, और बस आप को वो बता देते हैं। एक फ़िलहाल छोटा सा एक पेपर मैं आपको बना के दे देते हैं, फिर उसके बाद जो है आप जो है 3 महीने बाद आपको वो वाला लाइसेंस मिल जाता, पक्का वाला। वो जो पेपर लाइसेंस मिलता है उसके ऊपर भी आप गाड़ी चला सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं होती है। हमजा ने कहा ब्रदर मैंने निबोश ओश ओशा फायर सेफ्टी फूड असेसमेंट ये सब यूके से किया हुआ है, या हेल्थ एंड सेफ्टी कंस्ट्रक्शन के कोर्स हैं, इसका स्कोप है भाई, इसकी जॉब मिल जाएगी? जॉब इसकी कोई नहीं होती है, इनसे रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं उनमें ये काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना है तो आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी कार्ड होना चाहिए, बट उसके लिए पहले आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सिर्फ कार्ड होने से जॉब नहीं मिल जाती, ये एक अगर मिसकंसेप्शन बना हुआ है लोगों का कि मैं ये कार्ड लूँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। नहीं, जॉब मिल जाए और वो आपसे पूछें कि यार ये वाला कार्ड है, तो वो आपके पास रेडी होना चाहिए, ये मेरे बताने का मकसद था। तो कोशिश किया कीजिए ये चीज़ आपके ये कार्ड्स वगैरह आपके पास हों पहले से। और अगर आप यूके में, तो भाई फिर क्यों आ रहे हो फिनलैंड यार, कितनी बार बताएं हम, अगर यूके में हो तो फिनलैंड नहीं आओ मेरे भाई। खैर सवाल आप यही थे बस, और अभी चल रहे काम पे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।